वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स मैं आज फिर से लेकर आई हूँ नई डिश। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाऊंगी बेसन का नाश्ता। तो बेसन का नाश्ता बनाने के लिए देखिए मैं इतना बेसन ले रखी हूँ 200 ग्राम। तो यहाँ बेसन ले रखी हूँ। तो बेसन में अब डालूंगी थोड़ा सा, पहले डालूंगी हल्दी पाउडर। तो इसको कलर करने के लिए डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और फ्रेंड्स यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। और फ्रेंड्स यहाँ ले रखी हूँ जीरा, गोटा जीरा। और फ्रेंड्स यहाँ ले रखी हूँ स्वाद का नमक। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ देखिए मैं 2 चम्मच ऑयल डालती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मेथी पत्ता, कस्तूरी मेथी, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें मेथी पत्ता डालना भूल गई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका अच्छे से एक डो बना लेती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं अच्छे से इसको मसल ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। ऑयल लगा के यहाँ देखिए मैं इसको इतना बड़ा बड़ा लोई काट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी, एक लेती हूँ चकला। तो यहाँ देखिए मैं एक चकला ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरा जो बेसन में मैंने सूखा आटा लगा ली हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के मैं इसका बेल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं इसको बेल लेती हूँ। इसको रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, इसको मोटा ही रखना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इसको देखिए मैं अचानक साके इसको बेल ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ कोई चीज़ का ढक्कन ले आप, चाहे कोई गिलास या कोई कटर। तो यहाँ देखिए मैं ढक्कन ले रखी हूँ। उस ढक्कन से मैं क्या कर रही हूँ, इसको कट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही मैं काट के निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं सबको बेल ली हूँ। और चलिए इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं गैस पर ऑयल बैठा रखी हूँ गरम करने के, आगे से ही बैठा दी थी क्योंकि मेरा ऑयल गरम हो जाए इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं बेला हुआ इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको हल्के हल्के, यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर फूल गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही डाल डाल के एक एक और इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो मेरा पक गया है उसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर हो गया है। मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों को भी निकाल लेती हूँ। और बाकी जो मेरा है उसको भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। कितना सुंदर से फूल रहा है। तो मैं सबको ऐसे ही तल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा बेसन का नाश्ता बनके रेडी है। फ्रेंड्स इस नाश्ता को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको चटनी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा, या सब्जी के साथ बहुत टेस्टी। और आप इसको बना के एक दिन रख सकती हैं। और बच्चे और बड़ों को सबको पसंद आता है। वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।